सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो. और गाइस फाइनली लेके आ चुका हूँ मैं आप लोग के लिए सेटअप टूर की वीडियो. और भाई देख लो, यही है मेरा फेस, यही है जो आप लोग के गेम प्ले के पीछे कमेंट्री करता है या वॉइस ओवर करता है, यही है वो शख्स. तो आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं कौन से डिवाइस से इस वाले चैनल पे जो है सबसे शुरू में वीडियो अपलोड करता था और कौन से डिवाइस से मैंने इस चैनल को इतना ज़्यादा ग्रो किया. तो सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि भाई काफ़ी बंदे जो है मुझे कमेंट करके बोलते हैं भाई तेरे पास आईपैड है, तेरे पास आईफोन है, तू भाई मतलब हमारे पास भी आईफोन या आईपैड होता तो हम भी पबजी जो इतना अच्छा खेल पाते. तो यार मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, कोई भी बंदा जो है पेट में से आईफोन या आईपैड लेके नहीं आता, कुछ ना कुछ तो करता है. ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आप लोग खुद वो सेटअप देख के ही पता चल जाएगा यार कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ आप लोगों को. ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा बर्थडे है. तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे विश कर दो, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता ही है क्योंकि भाई आज से एक महीने पहले ही मैंने उनको बता दिया था. और अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को भाई गेमिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलने वाली है, पीसी गेम से रिलेटेड भी वीडियो देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो. तो चलो गाइस ज़्यादा बकचोदी नहीं पेलते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं नहाने, क्योंकि भाई बर्थडे के दिन सबसे पहला काम नहाने का करना रहता है. अब मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं जस्ट अभी उठाऊँ, अभी उठा नहीं हूँ मैं, अब जाऊँगा मैं 1-2 बजे सोने के लिए. क्यों जाऊंगा सोने के लिए पता है, क्योंकि मैं रात भर सोता नहीं हूँ. कोई भी यूट्यूबर ज़्यादातर सोता नहीं है रात को, आप लोग पूछ लेना किसी से भी. तो अभी क्या करना है हम लोग को, वीडियो को एडिट करना है, बनानी है, फिर अपलोड करनी है, फिर जाऊंगा मैं सोने, मुँह धो के नहा के सोऊंगा और फिर उठूंगा, खाना खाऊंगा और फिर गेम प्ले बस खेलने लगूंगा. तो रात भर से जगा हूँ तो मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था और भाई घंटे एक गेम प्ले भी नहीं गया भाई, पता नहीं क्या ही नेट चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ही घटिया नेट चल रहा है. ठीक है, तो अभी मैं कहाँ हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ. ये देखो इधर बैठ के शूट कर रहा हूँ मैं छत पे. ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके. गाइज जस्ट वेट, कहाँ गया पीछे का कैमरा चचा. तो गाइज देख सकते हो ये रहा हमारे इधर का इलाका और ये मेरा छत है. छत तो देखने में सही लग रहा है लेकिन नीचे आप लोग को दिख जाएगा भाई अपनी असली औकात क्या है. तो भाई गांव टाइप का है, गांव में रहते ही हैं तो गांव टाइप का तो रहेगा. सामने की तरफ पहले गांव था और इधर पूरे में जंगल था, वो तो अब घर बन चुके हैं इसलिए थोड़ा सही लगता है देखने में. तो चलो नीचे चलते हैं, नहाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और फिर आपको आपसे मिलते हैं. सो गाइस अभी जो है मैंने मुँह हाथ धो लिया है, अब जाना है सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए. तो मैं जस्ट आता हूँ 2 मिनट में नहा के और फिर मैं आप लोग को जल्दी से दिखाता हूँ मेरा सेटअप टूर. तो यार जाना मत कहीं थी. ठीक है, तो गाइस फाइनली मैंने जो है नहा लिया है, अब आपको मैं सेटअप दिखाना स्टार्ट करता हूँ. लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना. तो चलो सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. शुरू में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है गाइस यहाँ से मेरा मेन कनेक्शन है. वैसे तो यहाँ से वहाँ तक गया है लेकिन मैं यहीं से आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से जो है मेरा सब कुछ है, यहीं पे मतलब चार्जर वगैरह लगे रहते हैं. तो अभी तो एक ही चार्जर लगा है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो चार्ज में लगा है, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक फ़ोन को 3 साल से. तो मैं आपको बताऊँगा, तो ये रहा गाइस हमारा जेब्रोनी का होम थिएटर जो कि 6-7 हज़ार रुपये का है और इसको 3 साल हो चुके हैं. एक बार सर्विस सेंटर जा चुका है मेरी वजह से, वो भी गाइस से मैंने डिम लाइट में जो है थोड़ी कम लाइट आ रही थी उस समय मैंने इसको चालू कर दिया था तो ये उड़ गया था. ठीक है, तो एक बार बस सर्विस सेंटर जा चुका है. और उसके बाद आती है ये टेबल जो कि भाई रेडीमेड है, मेरा भाई लेके आया था इसको. और उसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये रहा मेरा होनर प्ले का डिवाइस जो कि गाइस ये हमारा सेकेंड डिवाइस है हमारे मतलब फैमिली में सेकेंड डिवाइस है जो कि भाई टच मोबाइल है. ये 3 साल हो चुके हैं इसको और अभी तक जो है बहुत सही चल रहा है. और इससे पहले एक जोलो एरा 1X का मोबाइल था वो भी सही था लेकिन गाइस उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गाइस उड़ ही गया और फिर जब से उसको हमने सुधरवाया ही नहीं, रखा है अभी नीचे रखा है, यहाँ पर तो नहीं है. तो उसके बाद गाइस आते हैं हम लोग हेडफोन पर. तो ये रही हमारी हेडफोन जो कि 700 से 800 रुपए की आप लोग को मिल जाएगी कहीं पर भी, ये बोट की हेडफोन है. और उसके बाद आता है गाइस हमारा ये माइक जिससे मैं वॉइस ओवर करता हूँ, इसका नाम है ब्लू येटी और ये ज़्यादातर गेमिंग यूट्यूबर इसी माइक को प्रेफर करते हैं और इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि गाइस ये जो माइक है बहुत तगड़ा माइक है भाई. ठीक है, और उसके बाद आता है गाइस हमारा आईपैड जिससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ मतलब रिकॉर्ड करता हूँ पबजी के गेम प्ले. और भाई एकदम घटिया आईपैड है, आईपैड एयर बिल्कुल मत लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टच की प्रॉब्लम है और भाई बोलते हो ना स्प्रे नहीं दे पाता आईपैड में, तो भाई इसमें आईपैड में भाई टच प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी स्प्रे नहीं दे पाता हूँ. इससे सही तो लाख गुना अच्छा मोबाइल में देता हूँ स्प्रे में. ठीक है, और उसके बाद आते हैं ये वो तो होम थिएटर के कुछ बॉक्स वगैरह. भाई धूल देख रहे हो,
धूल देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा है, क्योंकि अभी रोड के ही बगल में घर है ना, इसीलिए भाई धूल उड़ उड़ के आ जाती है। और ये रही कुछ ईयरफोन जो कि मैंने ली थी लेजिट की देख के, लेजिट भाई की देख के, गेमएक्स प्रो भाई की देख के ये वाली ईयरफोन ली थी, ठीक है। और उसके बाद ये पता नहीं क्या चीज़ है, मेरा भाई लाया था इसको भी। ज़्यादातर जो मेरा सामान है वो मेरा भाई लाया था, क्योंकि मैं बाहर इतना घूमता नहीं हूँ। और उसके बाद है ये क्या है पता है, पाउडर, इसमें छिड़क के, ऐसे छिड़क के और खेलते हैं हाथ में लगा के पबजी, ठीक है। और भैया स्पॉन्सर नहीं है, मत खरीदना, बिल्कुल बेकार पाउडर है। और उसके बाद आता है हमारा ये लैपटॉप, जिसमें भाई वीडियो एडिटिंग, GTA 5 वगैरह खेलता हूँ मैं, वॉच डॉग वगैरह। और अभी जो मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो यहाँ पे अभी एडिट हो रही है आधी, और जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको आधी वीडियो अभी और जोड़नी है, फिर मैं आप यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। और ये जो लैपटॉप है ये है आसुस टफ गेमिंग, जो कि 64,000 रुपीज़ का है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आता है हमारा ये ट्राईपोड, जो कि 500 या 400 रुपए का है। और क्या बचा है, और कुछ बचा है, और उसके बाद एक आईफोन भी बचा था यार, ये रहा आईफोन, ये है आईफोन 11, जो कि यूट्यूब की अर्निंग से है। जितना भी यहाँ पे सामान दिख रहा है आप लोगों को, ये सब कुछ मेरी यूट्यूब की अर्निंग का है, घर से मैंने एक रुपये नहीं लिया है, ठीक है। और आप लोगों को पता है भाई, इंडिया की जो फैमिली होती है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है गेमिंग को, क्योंकि यार उनको भी भाई एक ना एक इच्छा रहती है यार, हमारा लड़का जो है पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनेगा, लेकिन यार कम से कम जो वो करना चाह रहा है उसको तो कम से कम करने तो दो यार, जो वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ भाई मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन, तो इसमें होगा मेरा जिससे मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। भाई कहाँ गया छुटकू, छुटकू कहाँ चले गए यार छुटकू भाई साहब, ओहो ये रहे छुटकू भाई साहब। ये है गाइस मेरी स्टार्टिंग, इस चैनल की स्टार्टिंग इस फ़ोन से मैंने स्टार्ट की थी, ली फ़ोन है। और इसमें 2 GB रैम है और 32 GB या 16 GB इंटरनल है। और इसमें जो है पबजी बिल्कुल नहीं चलता, जैसे कि मैंने आपको बोला था पबजी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ये मेरा हाथ पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इसमें पबजी तो बिल्कुल भी नहीं चलता, भूल ही जाओ कि इसमें पबजी चलेगा भाई, प्ले स्टोर पर घंटा नहीं आता पबजी तो। लेकिन मैं पहले क्या करता था, दूसरे यूट्यूबर की वीडियो उठाता था, उसमें से मैं स्क्रीनशॉट मारता था, काइन मास्टर लेता था और भाई वॉइस ओवर कर देता था पहले मैं, क्योंकि भाई अपने मोबाइल में पबजी तो चलता नहीं था। फिर मेरे भाई ने लिया था ये वाला होनर प्ले का मोबाइल जिसमें पबजी चलता था, लेकिन मेरा भाई जो है बहुत कम मोबाइल देता था उस टाइम में, शायद मैं 9th या 10th में था, इसलिए यार मेरा भाई ज़्यादा मोबाइल नहीं देता था, लेकिन यार छुप छुप के मैं कैसे ना कैसे करके मोबाइल ले के और पबजी की वीडियो अपलोड कर देता था, ठीक है। तो बस यार गाइस यही था कुछ आज का ये सेटअप, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और हाँ एक और चीज़ तो भूल ही गए गाइस, माउस और कीबोर्ड। और ये कितने का भैया, दोनों 1000 रुपये का है, ठीक है। और धूल को नज़र मत रखो, क्योंकि बाहर भाई गाड़ी मारी चलती है तो धूल उड़ के आती है, क्योंकि यार घर में अभी देख सकते हो बिल्कुल भी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं है। तो यार देखते हैं जैसे ही जैसे आप लोग का सपोर्ट आते जाएगा वैसे करते जाएंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।